दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक अपने कंप्यूटर के SMPS को अपने इलेक्ट्रॉनिक के टेस्ट बेंच पर एक सप्लाई की तरह यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक टेस्ट करने के लिए अपने बेंच पर जो जितनी भी अमूमन वोल्टेज चाहिए होती हैं, 5 वोल्ट, 3, 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट, -12 वोल्ट, -5 वोल्ट, ये सभी एक कंप्यूटर के SMPS के अंदर उपलब्ध होती हैं। हाँ, जहाँ पर आपको वेरिएबल सप्लाई चाहिए, ऐसा ऐसा कोई टेस्ट करना है जिसमें कि आपको वोल्टेज घटाकर बढ़ाकर देखनी है, तो वो तो इससे नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, जहाँ भी आपको कहीं फिक्स वोल्टेज चाहिए, उसमें भी वो भी अच्छे खासे करंट के साथ, कोई हल्का फुल्का 1-2 एम्पियर नहीं, 5-5 एम्पियर तक का चलता है, ज़्यादा ही है। SMPS की काफ़ी पावर होती है। ज़्यादा पावर के भी आप चीज़ें कहीं टेस्ट करनी है, चलानी है, तो आप इसमें कर सकते हैं। और आपको ये हर तरह की वोल्टेज मिल जाती है, रेगुलेटेड। 3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट मिलेगी, 5 वोल्ट मिलेगी, 12 मिलेगी, माइनस में भी चले जाओगे तो माइनस में मिल जाएगी। मुझे भी बड़ी परेशानी होती थी कि मैं क्या टेस्ट करूँ, कैसे टेस्ट करूँ, क्या करूँ ना करूँ। तब मैंने अपनी, जो मेरे कंप्यूटर की ख़राब SMPS थी, उसमें ख़राबी सिर्फ इतनी थी कि वो लोड ज़्यादा नहीं लेती थी, कम लोड लेती थी। तो उसको मैंने फिर मॉडिफाई किया, और कैसे कैसे मॉडिफाई किया वो मैं सब आपको बताऊंगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सामने दोनों ही चित्र मौजूद हैं, एक SMPS से निकले हुए कनेक्टर का, और उनमें जो तार होते हैं, जिन जिन रंग के तार होते हैं, उन रंगों के साथ। तो फोटो में आप देख पा रहे हैं कि लाल रंग का तार 5 वोल्ट DC है, येलो 12 वोल्ट DC है, ऑरेंज 3.3 वोल्ट है, कॉमन कॉम ग्राउंड है, वो काला ही होता है। हम इसमें -5 भी ले सकते हैं, -12 भी ले सकते हैं। ये तो होगी वोल्टेज। अब इसमें दो चीज़ें और दिखाई दे रही हैं, PS ऑन और पावर ओके। पावर ओके है कि वो आपको बताएगा कि आपका SMPS ओके है, आपका SMPS ओके है, चल रहा है, ठीक है। इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने इंडिकेशन के लिए। हम इसके सीरीज में एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर 470 ओम या फिर 560 ओम भी लगा सकते हैं। वो लगा के LED के थ्रू इसे हम ग्राउंड कर देंगे, इस पिन को। तो जब भी हमारी SMPS ऑन होगी तो ये लाइट जलेगी। और एक पिन आपको दिखाई दे रही होगी, PS ऑन, ये है पावर सप्लाई ऑन। इसको अगर ग्राउंड मिलेगा, इस पिन को अगर ग्राउंड मिलेगा, तो SMPS ऑन हो जाएगी। हम इसका प्रयोग ऑन ऑफ स्विच की तरह करेंगे, इसमें से एक स्विच लगाएंगे और उस स्विच को हम ग्राउंड कर देंगे। उस स्विच का एक कनेक्शन ग्राउंड कर देंगे, एक कनेक्शन इसको दे देंगे। तो जैसे ही हमने स्विच दबाया, ग्राउंड हुआ और पावर सप्लाई मेरी ऑन हो गई। तो सबसे पहले SMPS को अपना खोल लीजिए, उसका सारे स्क्रूज निकाल लीजिए, उसका डब्बा पूरा खोल दीजिए। और अब क्या करना है आपको कि जहाँ जहाँ पर आपको पॉइंट्स निकालने होंगे, हम मैंने सिर्फ 4 ही पॉइंट्स बाहर निकाले थे, 0 वोल्ट जो कि ग्राउंड, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। इसलिए मैंने सिर्फ 4 ही होल करे हैं, एक ग्राउंड के लिए और 3 वोल्टेज के लिए। उसको ड्रिल से आप होल कर दीजिए, उसके बाद फाइल से उसको स्मूथ कर दीजिए, प्लेन कर दीजिए। प्लेन करने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं पहले चित्र में, सारे वायर्स का मैंने कनेक्टर आगे के काट दिए हैं, और सिर्फ जो जितने दूरी के हमें चाहिए कनेक्शंस वायर, वही रखे हैं। क्योंकि हमारे SMPS की करंट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कई एम्पियर तक चला जाता है, इसलिए मैंने बजाय के 12 वोल्ट या 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट एक ही तार से लेने के, मैंने जो गुच्छा इसका पहले से ही आता है तार का, मैंने वही सब गुच्छा बरकरार रखा। और दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि मैंने उनको सभी गुच्छे को एक साथ मिलाकर, हरी सारी एक साथ, हरी नहीं, पीली एक साथ, लाल लाल एक साथ, काली एक साथ, और ये ऑरेंज सब एक साथ मिला के एक वोल्टेज के लिए बना दिया। अब इन सबको बनाए हुए जो मैंने कैबिनेट में जो मैंने छेद किए थे, वहाँ पर आप पोर्ट लगा सकते हैं। आप फोटो पता चल जाएगा आपको, अभी पोर्ट लगा के उसमें कनेक्शन दे देंगे। ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये वही है, लाल रंग का
एलईडी है और येलो तार से मैंने येलो टेप से कवर किया हुआ है उसे। ग्राउंड दे दिया, येलो रेड ऑरेंज सारे कनेक्शन हमने इनको दे दिए, 12 वोल्ट 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट सारा हम दे चुके हैं। और ये हमारा बाहर से ऐसा लगेगा, ये जो हरा तार साइड से बाहर आ रहा है ये वही है जो पावर सप्लाई ऑन का काम करेगा। इसको मैंने सीधे, बजाय के स्विच लगाने की जगह ज़्यादा मिल नहीं रही थी तो इसको मैंने सीधे यहीं से ही ग्राउंड पर कनेक्ट कर दिया, बजाय के स्विच के लगाने के। जब भी मुझे ऑन करना होता है मैं इस तार को लगा सकता हूँ। आप यहाँ पर स्विच लगा सकते हैं, एक स्विच लगाकर आप उसको एक ऑन ऑफ के स्विच की तरह प्रयोग कर सकते हैं। और अब ये चालू है, इसमें मैंने टेस्टिंग करी, 12 वोल्ट का डीसी का बल्ब मैंने चलाया और ये बिल्कुल सही चल रहा है। आप देख रहे हैं कि एलईडी भी चल रही है, वो बता रही है कि पावर सप्लाई ऑन है।